बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9 से 10 साल की बच्ची का फ्रॉक बनाएंगे। फ्रॉक बनाने के लिए मैंने एक नॉर्मल शर्ट जितना ही कपड़ा लिया है, 2.5 मीटर। मुझे टोटल फ्रॉक की जो लेंथ है वो 33 चाहिए। शर्ट का फ्रॉक का नीचे वाला जो पार्ट होता है, घेरे वाला, उसकी लेंथ तकरीबन मैंने यहाँ पे 25 ले ली है, 25 से 26 ली है। ये कटिंग वगैरह करते, इसको सेट करते, ये हमारे उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी। यहाँ पे मैंने जितनी हमें कमर रखनी है उसके मुताबिक 17 इंचेस मैंने ये बॉडी के लिए कपड़ा ले लिया है। इसकी लंबाई 13 है और चौड़ाई 17 है। जब हम इसको कटिंग करेंगे तो ये हमें जो तैयार है वो तकरीबन 11 इंचेस चाहिए। जब हम इसको कटिंग करेंगे और अंदर करेंगे तो ये हमारा 11 इंचेस हो जाएगी। टोटल जो कंधा है वो है 7.5 और तीरा है 13.5। अब मैं यहाँ पे 13.5 बल्कि 14 पे मार्क कर लूँगी। फोर्टीन पे मार्क कर लिया और जितना हमारा तीरा होता है उससे हाफ हमारा आर्म होल होता है। अब यहाँ पे हमारा आर्म होल 17 आएगा। यहाँ से इसको राउंड देके अगर आप चाहते हैं थोड़ी सी कमर की फिटिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से थोड़ा सा शेप देने के लिए यहाँ से इसको कटिंग भी कर सकते हैं, जितनी आपको बेहतर लगती है। फ्रंट साइड को अगले हिस्से से तकरीबन 1 इंचेस एक्स्ट्रा काट देंगे और इसी तरह हम शोल्डर्स को भी तकरीबन आप 1 इंचेस भी कर सकते हैं। बड़ों की तो एक ही होती है, एक से ज़्यादा भी कर लेते हैं, लेकिन ये छोटी बच्ची की है इस वजह से मैं इसको हाफ इंचेस कर रही हूँ। बाजू भी मैंने अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग काट लिए हैं। इनको मैंने अम्ब्रेला शेप दी है, बेल शेप जिसे कहते हैं। आप चाहें तो आप इस तरह चुनट्स डाल के भी बना सकते हैं। यहाँ पे हम फ्रंट गले को तकरीबन 3 और 2.5, के हिसाब से कटिंग कर लेंगे। तकरीबन 1 इंचेस के
हिसाब से इसकी कटिंग कर लेंगे। तरह से बे शेप कह लें। अब हमने जो बॉडी है उसको और घेर को लेके तकरीबन सेंटर पे हमने मार्क किया था। सेंटर को मार्क किया करने के बाद हमने 4 इंचेस सेंटर से यहाँ तक 4 इंचेस पे हमने यहाँ सेंटर से यहाँ सेंटर से तकरीबन 4.5 इंचेस मार्क किया है और बाकी जो है उसको हम चुनट्स डालेंगे। चुनट्स डालने के लिए हमने मशीन का बखिया बड़ा कर लिया है। आप इसमें वो दूसरे प्लेट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन जो इस तरह से होते हैं इस तरह करके, लेकिन ये वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हमने अपने मार्क तक फिनिश कर लेना है। इसी तरह बिल्कुल इसके साथ दूसरी ले लेनी है, टांका बड़ा करके दूसरी सिलाई। अब हमने एड्स चुनट्स जो हैं वो डल जाएंगे, बारीक वाली चुनट्स। अब जितना हमने इसको एडजस्ट करना होगा उतना हम बॉडी की उसके साथ एडजस्ट कर लेंगे, जितनी हमें इसकी चाहिए है। मैंने दूसरी साइड पे चुनट्स डाले हुए हैं। अब जितना हमें ये चाहिए इतने हम चुनट्स को, जितनी हमारी बॉडी है उतना हम चुनट्स एडजस्ट कर लेंगे। इस तरह से हमारे चुनट्स और हमारी पेटी रेडी हो गई है। फ्रॉक का सेंटर करके मैंने इसको क्रीज बिठा ली है। एक पट्टी मैंने तैयार की है तकरीबन 1.5 इंच की, उसको हम इसके ऊपर लगा देंगे। ये शलवार की पट्टी है।
अब हमें इस तरह सेंटर बिल्कुल गले का करके इसको हमें इसके साथ गले को फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह हम बैक का पार्ट भी तैयार कर लेंगे। इस तरह से बाजू पे तकरीबन 1.5 इंच की मैंने पट्टी काटी है, वो इस तरह बाजू की उल्टी साइड और पट्टी की भी उल्टी साइड रख के इस तरह से हम लगा लेंगे। पट्टी को यूं ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेंगे सीधी तरफ। हमने जब कट की थी ये पट्टी तो तकरीबन 1.5 इंच थी, अब तैयार होके ये तकरीबन 1 इंच रह गई है। यहाँ से हमने गोलाई दी हुई थी इसलिए हमने थोड़ा इसको ढीला ढीला रखना है। यहाँ शोल्डर को फ्रंट और बैक को मिला के सिलाई लगाएंगे। हमने जिस तरह फ्रंट का गला बनाया है इसी तरह हम बैक बनाएंगे, बैक का गला बनाएंगे। इस तरह हम दोनों गले जोड़ लेंगे तीरे से, फ्रंट और बैक। अब मैंने यहाँ पे 2 पट्टियाँ तैयार कर ली हैं, इनको मैं फ्रंट साइड पे चुनट्स के ऊपर लगा दूंगी। अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा दें, अगर आप नहीं लगाना चाहते तो तब भी। बुरा नहीं लगता। यहाँ से चुनट्स को साथ साथ एडजस्ट कर लें। इस तरह से हम अपनी फ्रॉक को स्टिच कर लेंगे।
अब हम बाजू को इस तरह राउंड में जोड़ लेंगे। इस तरह से दूसरे बाजू को भी मैंने इसी तरह से जोड़ लिया है। जिस तरह मैंने बाजुओं पे पट्टी लगाई है जितनी, इसी तरह अब मैं सारे घेरे पे पट्टी लगा रही हूँ। पट्टी मैंने लगा ली है, अब मैं उसको फोल्ड कर रही हूँ। पट्टी लगाना और बहुत ये सारा छोटा छोटा वीडियो लंबी होने की वजह से नहीं दिखा पाई कि हर चीज़ को अगर रिकॉर्ड किया जाए तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। ये हमारी फ्रॉक की फाइनल लुक। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।